मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने अपने निवास में प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार और पूर्व की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि बीहर नदी में बन रहे इको पार्क और झूले के कारण रीवा में बाढ़ की समस्या और भी बढ़ जाएगी। बीहर नदी पर इको पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। इस इको पार्क तक पहुंचने के लिए एक पक्का पुल भी बनाया जाएगा, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस पुल की ऊंचाई नहीं बढ़ा रही है और न ही नदी का गहरीकरण कर रही है, जबकि बीहर नदी के कारण अक्सर बाढ़ आ जाती है। यदि नदी के बीचों बीच एक और पुल बना दिया जाएगा तो आगामी बाढ़ में व्यापक जन तथा धन हानि होने की संभावना बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने वार्ता के माध्यम से अपील की है कि झूला पुल की ऊंचाई को बढ़ाया जाए और नदी का गहरीकरण किया जाए ताकि बाढ़ की विभीषिका से रीवा की जनता को बचाया जा सके। छोटी पुल का निर्माण 97 की बाढ़ के बाद हुआ तो 5 मीटर 41 सेंटीमीटर बड़ी पुल से छोटी पुल की ऊंचाई को कम कर दिया गया। आप सबने देखा कि जब बाढ़ आई झूला पुल टूटा और छोटी पुल में तमाम मलबा अड़ गया तो रेलिंग को तोड़ दिया। यदि डबल पिलर छोटी पुल के ना होते तो पूरा का पूरा छोटी पुल नीचे से ही तबाह हो जाता। इसके बाद माननीय मंत्री जी ने करहिया में किया, यदि बिहार बिछिया नदी का 5 मीटर से अधिक गहरीकरण करा दिया जाए तो बाढ़ से निजात पाया जा सकता, लेकिन नहीं कराया गया। मंत्री जी ने खाका तैयार किया कि हम किनारे किनारे रोड बनाएंगे, झूला पुल बनेगा, इको पार्क बनेगा, लेकिन गहरीकरण की बात किसी ने नहीं किया। मैं मांग करता हूं कि गहरीकरण कराएं, अन्यथा यदि इस झूला पुल के कारण कोई घटना घटती है तो हम जो भी जिम्मेदार कंपनी है और जिनके कार्यकाल में ये खाका तैयार किया गया और जिस कांग्रेस की सरकार में अब पूरा सीमेंट पुल का निर्माण हो रहा है, हम FIR भी कराने का काम करेंगे। और ये पुलिया पानी रोकने का काम करती है और पूरा रीवा तबाह हो जाएगा, इसलिए मैं सचेत कर रहा हूँ 2 महीना पहले। इसको दूर करने के कोई वो भी बताएंगे कि नहीं होगा तो 2 महीने से तो आप करेंगे, सचेत जो करना होगा तो करते ही नहीं, उनको तो मालूम है चीज़ को, उसके बाद नहीं कर रहे हैं तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? मैं पानी के लिए आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए हम आंदोलन करेंगे और हम यही बात कह रहे हैं, कांग्रेस ने भी वो देखा है हाल उस झूला पुल का और कांग्रेस विरोध में थी, तो कांग्रेस भी जाग जाए, सो न जाए और जा करके उसका जो भी जिला प्रशासन के मुखिया है उस पुलिया